एशियाई हाथी एशिया के सबसे बड़े भूमि पर रहने वाले जीव है। इनकी अधिकतम लंबाई 4.5 मीटर तथा कंधों तक ऊंचाई 3 मीटर और वजन करीब 5 टन होता है। इनकी चमड़ी का रंग गहरे धूसर से लेकर भूरे रंग का होता है। साथ ही उनके माथे, कान, सीने तथा सूंड के आधार पर गुलाबी रंग के धब्बे होते हैं। अफ्रीकी हाथी से आकार में छोटे होने के साथ ही इनके कान इनके शरीर के अनुपात में भी छोटे होते हैं, जिसे ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हमेशा हिलाते रहते हैं। इनकी सूंड के ऊपरी होंठ पर एक उंगली जैसा आकार होता है, जो कि अफ्रीकी हाथी में ऊपरी और निचले दोनों होंठ पर होता है। मादा हाथी सामान्यतया नर से ज्यादा सामाजिक होती हैं। आपस में संबंधित मादाएं साथ मिलकर एक बड़ा समूह बनाती हैं, जिसका नेतृत्व सबसे उम्रदराज मादा द्वारा किया जाता है। जब आवासीय परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो प्रत्येक मादा हर 2.5 से 4 साल पर एक बच्चे को जन्म देती है। हाथियों के शिशुओं का वजन जन्म के समय 50 से 150 किलो तक हो सकता है। कई महीनों पश्चात बच्चे घास तथा पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, पर झुंड में ये अपनी मां के संरक्षण में कई वर्षों तक रहते हैं। लगभग 4 वर्ष की उम्र में ये अपना पहला स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते हैं। प्रतिदिन हाथियों को लगभग 150 किलोग्राम चारे की जरूरत होती है। दिन का 2/3 हिस्सा ये घास खाने में खर्च करते हैं, पर साथ ही ये पेड़ों की छाल, जड़, पत्तियां एवं तनों को भी अपने आहार में सम्मिलित करते हैं। गन्ने, चावल तथा केले की फसल इन्हें बहुत पसंद होती है, जिसकी वजह से कई बार ये मानव के साथ संघर्ष में आ जाते हैं। इन्हें दिन में कम से कम 1 बार पीने के पानी की जरूरत होती है, जिसके लिए ये पानी के स्रोत के पास ही रहते हैं। किसी समय हाथी एशिया के बड़े भूभाग पर पाए जाते थे, परंतु अब इनकी आबादी इनके वास्तविक वितरण के सिर्फ 15% क्षेत्र में ही बची है। 20वीं सदी के शुरुआत में इनकी आबादी 1 लाख के करीब थी, जो घटकर वर्तमान में मात्र 50% यानी कि लगभग 40,000 से 50,000 की रह गई है। प्राकृतिक वास का नुकसान एवं विखंडन, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध शिकार एशिया में इनकी आबादी के लिए प्रमुख खतरे हैं। हाथी अभी भी मांस, हाथी दांत तथा खाल के लिए मारे जाते हैं। जिंदा हाथी भी जीवित हाथियों के व्यापार के लिए जंगल से पकड़े जाते हैं, जिन्हें थाईलैंड तथा वियतनाम जैसे देशों में पर्यटन उद्योग के लिए बेचा जाता है। अनुमानतः एशियन हाथी की आयु जंगल में अधिकतम 60 वर्ष होती है और चिड़ियाघर के सुरक्षित माहौल में करीब 80 वर्ष तक। वर्तमान में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में एक मादा तथा एक नर एशियाई हाथी है।